पर्सनल ऐसी है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन बाजी में चल रहा हूँ। तो आप मेरे से शेयर करो ना यार, मैं तेरे को लेके और परेशान हो रहा हूँ। तो आप रो क्यों रहे हो? देखो आपको मेरी कसम है, शांत हो जाओ, मेरी बात नहीं मानोगे? अच्छा प्रॉमिस, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, आपको जितना टाइम चाहिए, अगर आपको कोई बात है मन में तो मुझे बताओ, मैं पक्का सॉल्व करूंगी। मैं आपके कान में कान जोड़ती, मैं कान पकड़ती हूँ आपको, कभी मतलब आपको अब कोई चीज नहीं परेशान करूंगी। यार मैं हर जगह से परेशान हो चुका हूँ यार, घर को अलग देख रहा हूँ, मतलब इतने कम एज में मैं कहाँ कहाँ देखूँ यार। अच्छा ठीक तो कर लो, चलो ठीक है। मेरे पास सुभाष से कॉल आया था, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब उन्होंने मेरे को प्यार से बोला कि मतलब कुछ बात करनी है, क्लियर करनी है, प्लीज़ मुझे समझो। तो मुझे लग रहा है शायद वो मान जाएंगे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो अभी सुभाष ने मुझे यहाँ बोला कि तुम वेट करो, मैं आता हूँ। तो मैंने कैमरा लगा दिया क्योंकि जितनी बात पता चली है तो उनको ये बात आप लोगों को पता चलनी चाहिए ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपको तो समझना चाहिए ना, आप उनको ऐसे गलत बोल रहे हो तो आपको समझना चाहिए वो मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग भी समझो प्लीज़, उन्हें गलत कमेंट मत करो प्लीज़, वो फिर और डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मिलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, वीडियो के एंड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर दिमाग खराब करने लगे मेरा। क्या मैंने कुछ किया थोड़ी? मैं बोल रहा हेलो तो तुम हक कर रहे हो। मैंने कुछ गलत किया? देखो मैं आपसे बस दो बात करने आया हूँ, दो बात कि भाई एक तो मुझे भाई शांति चाहिए और एक मुझे टाइम चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं हर जगह से परेशान हो चुका हूँ, हर जगह से मुझे किसी ने नहीं छोड़ा है, किसी ने भी नहीं। इंस्टा को लेके मतलब इंस्टा पे तुम्हें पता ही क्या है, चल रहा है मेरे साथ, क्या नहीं चल रहा है, किसने क्या करा क्या नहीं करा। यूट्यूब वगैरह पे भी तुम्हें पता ही क्या है कि मतलब क्या टेंशन चल रहा है। यूट्यूब का तो चलो मैं संभाल लूँगा, बाद में संभाल लूँगा। मेरे गाँव में मतलब तुम्हें कुछ मतलब कुछ चीज़ें पर्सनल ऐसी है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन बाजी में चल रहा हूँ। आप मेरे से शेयर करो ना यार, मैं तेरे को लेके और परेशान हो रहा हूँ। चीजें मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा, कुछ भी चीजें मैं मतलब मैंने क्या किया है? देख मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे मैं सब कुछ ठीक कर मतलब धीरे धीरे मैं सब कुछ अच्छा करके मैं खुद तेरे पास मैं खुद आ जाऊँगा भाई। मैं कहीं ऐसा नहीं कि मुझे कोई और मिल गया या ऐसी कोई बात नहीं है, है तू ही, बट मैं तुमसे अभी थोड़ा मैं दूर होना चाहता हूँ यार। मुझे मतलब आप इतने दिनों से मेरे से दूर रहोगे, अगर आपको सॉल्व करनी है तो मैं थोड़ा मतलब बात भी नहीं करोगे फोन पे? एक को थोड़ा काम कुछ है अभी, मैं वो काम वाम करवा के मैं फ्री होके फिर मैं बात मैं कर लूँगा। मैं ठीक है, मैं कर लूँगा तुमसे। फ़ोन पे भी बात नहीं करोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ मतलब बात ही नहीं करोगे? मतलब इतना देर से मैं क्या बोल रहा हूँ फिर, मतलब मेरे को हैवर कर रही है, मतलब आप बात ही नहीं करोगे मेरे से? मुझे दूर होना है सबसे, मुझे दूर रहना है अभी, जब तक तू रहेगी मेरे साथ। मैं देख मैं वीडियो अभी तूने वीडियो डाली, कितना नेगेटिव कमेंट आ रहा है, मतलब हर एक कोई मतलब यार उनको बिना सोचे समझे वो कमेंट कर दे रहे हैं, जो आज उनको जो दिख रहा है वो कमेंट कर दिया। ऐसा नहीं कि मैं किसी और के साथ मतलब हूँ, तू बता ना मेरे लाइफ में कोई और है क्या? तुझे पता था ना मैं कितना मतलब कितना तेज साथ मैं अभी हूँ, मतलब कैसा रहता था मैं। देख मैं थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा हूँ, उस दिन भी हमारी लड़ाई इस वजह से हुई कि मैं थोड़ा टेंशन में पहले से ही था और तूने पहले ही आके मेरे से ऐसा बोला,
क्या बोला उस दिन? जो बात तूने बोली थी, जो मैंने बोला दिल पे मेरे को लग गई, वो बातें सब कैसे क्या नहीं? यार बस आपको इतनी सी बात दिल पे लग गई कि मेरे को अभी वीडियो नहीं बनानी था, क्यों हुई हूँ? आज नहीं बनाएंगे, कल बनाएंगे। तो यार एक चीज बता, मेरे ऊपर तुम्हें पता है ना सारा टेंशनबाजी मेरे ऊपर है, तो मतलब इतनी सी बात आपको दिल पे लग गई? इतना दूर से आया शूट करने, और क्या बोलते हैं, मैंने आपको देखो और भी चीजें हुई हमारी। एक क्षण सुनो, मैंने आपको बोला है ना कि मैं अगर आपको समझ रही हूँ, आप मेरे को हर बात शेयर करो, मैं आपको समझती हूँ। ये बात आपको भी पता है कि अगर कोई भी बात रहती है तो मैं आपकी सॉल्व कर देती हूँ। तो इस बार आपने मेरे को नहीं बताया, और बिना बताए डिप्रेशन मतलब ऐसे टेंशन में हो गई, तो मुझे बुरा लगा ना, और आपने मेरे को ऊपर से समझा नहीं। मैंने आपको बस इतनी सी बात बोली तो आपने इतना बड़ा मतलब छोड़ने तक की बात कर दी, इसलिए मेरे को इतना हर्ट हुआ कि आपने मुझे छोड़ने के लिए बोल दिया इतनी सी बात के लिए। बाकी हमारी इतनी लड़ाई हुई, आपने जिंदगी में छोड़ने वाली बात नहीं करी, इसलिए मुझे बुरा लगा। देख मैं तेरे को छोड़ नहीं रहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, आप टाइम लो, आपको जितना टाइम चाहिए, आप मैं जिंदगी भर आपका वेट करने के लिए तैयार हूँ। आप टाइम लो, जितना टाइम लेना है, 1-2-3 साल जितना टाइम लेना आप लो। जब तक आपकी बात सॉल्व नहीं हो जाती, जब तक आप ठीक ठाक नहीं हो जाते, आप करो, सब कुछ करो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आपको ज़रूरत है तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, पक्का परेशान नहीं करूँगी। आप टेंशन मत लो, ठीक है? पब्लिक की रही बात, मैं पब्लिक को बोल दूंगी, आप टेंशन मत लो, वो पब्लिक भी आपको कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि पब्लिक मेरे से ज़्यादा आपको प्यार करती है, आपको ये भी पता है। ये पता नहीं कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, कैसे मैं। हाँ भाई, तो सुनो, हमारी वीडियोस उन्होंने देख लिया, सुनो कि उसमें देख रहा है कि हाँ सुभाष गुस्सा करके चला गया। अरे सुनो, देखो सुनो, आपको ये पता है कि मेरे से ज़्यादा पब्लिक आपसे प्यार करती है। पहले आप थे उनके जुड़े हुए साथ, मैं नहीं जुड़ी हुई थी, तो आपसे प्यार करती है। तो बस उनको उन्होंने देखा, उनको गलत बुरा लगा उनको भी, क्योंकि हम इतने साल से साथ थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमको छोड़ेंगे वोड़ेंगे नहीं। आप अपना आराम से सॉल्व कर गया, और आराम से जितना टाइम लेना आप लो, ठीक है? मैं भी यही हूँ, बस ये मत बोलो कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं आपका वेट करने के लिए रेडी हूँ। आपको जितना टाइम चाहिए आप लो, मैं वेट कर रही हूँ आपका। लो रहे हो आप, रो क्यों रहे हो? आपको मेरी कसम है, रो मत, आपको मेरी कसम है, बच्चा रो मत, मैं हूँ ना, मैं आपका वेट करने के लिए हूँ, तो आप रो क्यों रहे हो? देखो आपको मेरी कसम है, शांत हो जाओ, मेरी बात नहीं मानोगे? अच्छा प्रॉमिस, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, आपको जितना टाइम चाहिए, अगर आपको कोई बात है मन में तो मुझे बताओ, मैं पक्का सॉल्व करूँगी। मैं आपके कान पकड़ती हूँ आपको, कभी मतलब आपको कोई चीज़ नहीं परेशान करूँगी। यार मैं हर जगह से परेशान हो चुका हूँ यार, घर को अलग देख रहा हूँ, मतलब इतने कम एज में मैं कहाँ देखूँ यार। अच्छा ठीक, सोचो कि मैं छोड़ के, मेरे को लोग वहाँ पे गलत बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ, मतलब मर जाऊँ क्या? मतलब वहाँ पे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सुभाष ऐसा है वैसा है, अब उनने मेरी लाइफ में मतलब क्या चल रहा है, पीछे नहीं चल रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं है। दूर होना सबसे, मुझे अब मेरे को छोड़ दो यार, अकेला छोड़ दो, ठीक है? देखो आप मुझे छोड़, ये मत बोलो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आप बोलो कि मेरे को टाइम दो। आप बोल रहे हो टाइम दो, ठीक है, मैं आपका वेट करने के लिए तैयार हूँ। आप जितना बोलोगे मैं उतना वेट करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे छोड़ के मत जाओ, बस आप मुझे। मैं तेरे से पूछ के कहीं, मतलब कहीं भी जाऊँगा मैं तेरे को पूछ के जाऊँगा, बट ये है कि मेरे को थोड़ा टाइम दे, मेरे को जो काम वाम थोड़ा बहुत इधर उधर का। बस मैंने आपको ये तो मना नहीं किया ना कि आप काम मत करो अपना, मैंने जिंदगी में आपको मना किया हो कि मत करो, वो मेरे को थोड़ा क्लियर करना। सुनो, आपको पता है ना कि मैंने आपको जिंदगी में कभी मना किया है किसी चीज़ के लिए? मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने आपको जिंदगी में कभी मना किया है किसी बात में? ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप करो, आपको जितना टाइम चाहिए आप लो ना। आप पर ये क्यों बोल रहे हो कि रितिका मुझे तेरे साथ नहीं रहना? आपको पता है क्या बीतती है मेरे ऊपर? नहीं रह सकती आपके बिना यार मैं, इसलिए बुरा लगा आपको। आप परेशानी आप ठीक है सॉल्व करो, आप मेरे को बताओ, मैं नहीं करूँगी, मैं कान पकड़ती हूँ आज के बाद, मैं आपको चिल्लाऊंगी भी नहीं, मैं गुस्सा ही नहीं करूँगी, मैं लड़ाई करूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं आपसे लड़ाई नहीं करूँगी। पता है ना कि मैं थोड़ा जल्दी एग्रेसिव हो जाता हूँ, कुछ भी मतलब कोई नहीं, मैं हूँ ना संभालने के लिए, आप अग्रेसिव हो तो मैं संभाल रही हूँ। अब मैं कान पकड़ती हूँ आपको, जिंदगी में आपसे लड़ाई नहीं करूँगी, कोई भी बात हो कितनी भी बुरी बात हो, बस मैं लड़ाई नहीं करूँगी, हम प्यार से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अब आप टेंशन फ्री रहो, आप कुछ जो करना है वो करो, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं लड्डू जी की कसम खा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, ठीक है? मैं यहीं वेट करूँगी, आप आना, आप अपना सब कुछ ठीक करके आना, पर ये मत बोलो कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हो।
मुझे अपनी YouTube फैमिली का तो नहीं पता, पर मैं जरूर मर जाऊंगी। तो प्लीज ऐसा मत करना, आपको ठीक करना है, आप करो, आप हर चीज करो, मना नहीं है, बस आप मेरे पास वापस आ जाओ, आप टेंशन मत। अब मुझे नहीं अच्छा लगता टेंशन में, आप कोई बात है तो मुझे बताओ, आप कोई परेशान कर रहा हो, कर रहे हैं कोई परेशान? मैं कर रही हूँ, मैं दूर हो जाऊँ? देखो मैं दूर तो नहीं हो सकती, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ सकती, बस आपको जो करना है आप करो, एकदम क्लियर करके आओ आप, ठीक है? हाँ मैं हाथ लूँ, ठीक है, आप क्लियर करके आओ, मैं कहीं नहीं जा रही, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगी, मैं करती भी नहीं हूँ, मैं करूँगी, ठीक है? जाना है तो जाना पड़ेगा, मेरे को जाना है यार जल्दी, रोड पे खड़ा है ना गाड़ी, वो गाड़ी उठाने वाला आ जाएगा, हक तो कर लो, चलो ठीक है। ध्यान से जाना, ठीक है, बाय। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि वो कितने परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ उन्हें गलत कमेंट मत करो प्लीज़, वो बहुत इनोसेंट है यार, वो मतलब दिल पे बहुत जल्दी बात ले लेते हैं, उनको नहीं सहन कर पाते, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें गलत कमेंट मत करना, और थैंक यू सो मच आपने उनको यहाँ तक पहुँचाया, वो आपके बदौलत है सब कुछ, आप उनको प्लीज़ साथ देना, मेरा साथ दो ना दो पर उनका साथ ज़रूर देना, क्योंकि वो शुरू से आपके साथ है, मैं नहीं थी, पर उनका साथ आप ज़रूर देना प्लीज़, उनको ना थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे, आपने वीडियो देख ली, वो बस उनको बस थोड़ा सा टाइम चाहिए सबको ठीक करने के लिए, वो कहीं नहीं जाएंगे, मुझे पता है, मुझे भरोसा है, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करो, मुझे मत करो, मैं बेशक मत करो, मैं मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे चलेगा, तो उनको प्लीज़ उनको सपोर्ट करो, उन पर ना उनको थोड़ा स्ट्रांग बनाओ ताकि वो कर सके कुछ, अभी वो इतना डिप्रेशन चल रहा है, आप लोगों ने कमेंट किया वो और परेशान हो गए इस वजह से, तो प्लीज़ प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करो, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ उन्हें कभी छोड़ना मत, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, लव यू सबको, आपकी वजह से वो मेरे को मनाने हैं, मतलब उन्होंने, मैं खुश हुई, वो मेरे से इतने प्यार से हग करके गया इतने टाइम बाद, तो बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच आप लोग को, तो बाय बाय।